और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हुआ है। तो कैंसर इंस्टीट्यूट आज इसका उद्घाटन हुआ है। कैंसर से अनगिनत लोगों की मौत होती है। आज नितिन गडकरी ने शुभारंभ के अवसर पर इस बात को कहा, केमिकल युक्त उर्वरक खाद का इस्तेमाल हानिकारक है और कैंसर से बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देना चाहिए, यह बात नितिन गडकरी ने कही है। तो फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मेट्रो अस्पताल में कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जानलेवा बीमारी कैंसर पर विराम लगाने के लिए प्रिवेंटिव हार्ट डिटेक्शन का पता लगाने पर जोर देना चाहिए, इससे कैंसर रोगियों का जो जीवन है वो बचाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह दुख का विषय है कि कैंसर से असंख्य लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि कैंसर का एक प्रमुख कारण फसलों में उपयोग होने वाले केमिकल युक्त उर्वरक और खाद भी हैं, इसलिए सरकार देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है। हमारे सोसाइटी के और देश के तीन इम्पोर्टेंट पिलर्स है, हमारे एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी और विशेष रूप से हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के कारण हम लोग जो फल फ्रूट सब्जियां और अनाज खाते हैं उसके कारण ही कैंसर का प्रादुर्भाव हमारे सालों और इसलिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाए बिना हम लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा नहीं दे सकते। आजकल वर्ल्ड में इसकी बहुत चर्चा हो रही है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जो भाषण दिया उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है और उन्होंने ये कहा कि डोमेस्टिक हैप्पी होम इंडेक्स और इसका सीधा मतलब है कि हमारे लोगों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में और इकोनॉमी में रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के साथ हम लोगों के जीवन को सस्टेनेबल कैसे बनाते और इसलिए स्वाभाविक रूप से हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को छोड़कर काम करते हैं।